हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो वीडियो है उसमें मैं कपलिंग रिएक्शन जो सीरीज हमारा चल रहा है उसको ही कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टील कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो जो स्टील कपलिंग रिएक्शन है वो बिल्कुल अल्टरनेटिव है। किसका अल्टरनेटिव है? आपका सुजुकी कपलिंग रिएक्शन का। तो इसके ना जो मैकेनिज्म है या उनका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी उसी मेथड से होंगे। यहाँ पे कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो बिल्कुल उसी के जैसा ही होता है। फिर चेंजेस कहाँ कहाँ है ना, जो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है उसमें कहाँ पे चेंज किया गया है, क्यों चेंज किया गया है, मतलब इस रिएक्शंस को करने का एडवांटेज क्या है, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। स्टील कपलिंग रिएक्शन इज ए अल्टरनेटिव टू द सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनोबोरोन जो हम इसमें यूज़ करते थे है ना, ऑर्गेनोबोरोन यूज़ क्या करते थे उसमें, तो जो ऑर्गेनोबोरोन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। किससे रिप्लेस करते हैं? ऑर्गेनोटीन से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सबसे मेन जो है वो यहीं पे आ जाता है आपका। यहाँ पे ऑर्गेनोबोरेन को, बोरोन को रिप्लेस करके ऑर्गेनोटीन यूज़ किया जाता है एज ए रिएक्टेंट। ये भी एक टाइप का क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिक हैलाइड्स होंगे और उसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? ऑर्गेनोटीन के साथ, राइट। यहाँ पे कोई भी हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड, बिल्कुल वो सारे हैलाइड जो मैंने उसमें लिस्ट करा रखे थे ना कि कौन कौन सा हम ऑर्गेनिक हैलाइड यूज़ करते हैं, विनाइल, अल्काइल है ना, एराइल्स, वो सारा जो मैंने सुजुकी कपलिंग रिएक्शन में कराया है वो सब भी इसमें भी यूज़ होगा। तो ऑर्गेनिक हैलाइड इसमें वो सब भी ले सकते हैं जो हम सुजुकी में लेते थे। ठीक है, तो अगर वैसा देखना है स्पेसिफिकली कि क्या क्या लेते हैं करके, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देखो, वहाँ से समझ आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें अब मैंने कहा कि ऑर्गेनोबोरोन को रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ क्या करते थे हम? बोरोनिक एसिड लेते थे है ना, वहाँ पर क्या लेते थे? बोरोनिक एसिड लेते थे, ओ एच होल ट्वाइस, ऐसे इसको बोलते हैं ऑर्गेनोबोरोन। ऐसे कोई ऑर्गेनिक ग्रुप इसके साथ लगा होता था, इसको रिप्लेस कर देते हैं किसके थ्रू? टीन वाले ग्रुप के थ्रू, मतलब आर और यहाँ पे अब आता है टीन और यहाँ कोई भी आपके ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनिक हैलाइड जो है उसकी रिएक्शन कराई जाती है ऑर्गेनोटीन के साथ। और ऑर्गेनोटीन में टू टाइप्स के ग्रुप होंगे, एक उसका खुद का आर ग्रुप रहेगा और एक जो ऑर्गेनिक ग्रुप है जो इसके साथ पे अटैच होना है। आफ्टर रिएक्शन आपको पता है क्या होने वाला है? सबसे पहले तो कैटलिस्ट लिख देते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट अभी भी वही यूज़ किया जाता है, पहले डीएम का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी कॉम्प्लेक्सेस, लाइक पीडी हो गया आपका, पीपीएस3 होल 4 ये यूज़ कर लिए हमने, पीपीएस3 होल 4 ये कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर पीडी का ओएसी होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हो, पीडी का सीएल2 भी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, है ना। यहाँ पे अभी तक के जितने कपलिंग रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, कपलिंग रिएक्शन, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, आगे और भी पढ़ाऊंगी, उनमें क्या करते थे? बेस का यूज़ करते थे। यहाँ पे इसका एडवांटेज यही है कि ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में भी प्रोसीड्स हो जाते हैं, किसी एक्स्ट्रा बेस की हमको नीड नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एडवांटेज किससे? सुजुकी कपलिंग रिएक्शन से। अब यहाँ पर बात करें थोड़ा सा कि यहाँ पर जो एक्स है वो भी थोड़ा सा वेरी करता है दोनों का। जब मैंने आपको सुजुकी कपलिंग रिएक्शन पढ़ाया तो मैंने बताया था वहाँ पर एज ए लिविंग ग्रुप, या हम यहाँ पर जो हैलाइड है वो बेसिकली ब्रोमीन या फिर आयोडीन को यूज़ करते थे, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप भी होते हैं और हैलाइड भी था, बस वही दो को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टील कपलिंग रिएक्शन में जो ऑर्गेनो हैलाइड्स लिया जाता है वहाँ पे हैलाइड्स में बहुत सारे टाइप्स के लिविंग ग्रुप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं हम। आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, OTF को भी यूज़ करते हैं, OTS को भी यूज़ करते हैं, साथ ही कुछ स्यूडो हैलाइड्स ग्रुप होता है ना, स्यूडो हैलाइड्स ग्रुप उनको भी एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ पे लिया जाता है। स्यूडो हैलाइड्स ग्रुप मतलब आपका ये वाला ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, OTF ग्रुप लेते हैं, OTS ग्रुप लेते हैं, ये सारा ग्रुप जो है एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ पे ले सकते हैं हम। ठीक, एडवांटेज की बात करें कि क्या एडवांटेज है इस रिएक्शन को कराने में, जबकि प्रोडक्ट तो दोनों में सेम मिलने वाला है। तो एडवांटेज में सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमारा जो ऑर्गेनोटीन होता है उसको प्रिपेयर करना ईजी होता है, साथ ही उसको प्योरीफाई करना भी ईजी पड़ता है। ठीक है, ऑर्गेनोटीन को बनाना और उसको प्योरीफाई करना दोनों ही ईजी मैथड्स हैं, दैट्स व्हाई इसको यूज़ करना बेटर हो जाता है। सेकेंड चीज़ मैंने कहा कि ये जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में भी प्रोसीड होता है, नो नीड एक्स्ट्रा बेस, किसी एक्स्ट्रा बेस की नीड यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता। ड्रॉबैक में चले जाएं कि यार ड्रॉबैक क्या है इसका, फिर इतना ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हुआ? अभी भी तो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन को यूज़ करते हैं हम कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना। तो इसका रीज़न ये है, इसके ड्रॉबैक में हम जाते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनोटीन कंपाउंड हम जो ले रहे हैं ना, इज़ अ वेरी टॉक्सिक मटेरियल। ऑर्गेनोटीन कंपाउंड आर टॉक्सिक एंड हैव अ पुअर सॉल्युबिलिटी इन अ वाटर। एक तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती है, ये दो चीज़ें हैं जो इसके ड्रॉबैक में आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज इसे अच्छा है,
क्योंकि जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, बेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। बाकी सेम चीज़ें होगा। कैटालिटिक रिएक्शन में जाएँ तो कैटालिटिक रिएक्शन की बात करते हैं, स्टील कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है। तो जैसे हमने अभी तक के कैटालिटिक रिएक्शन देखा, साइकिल्स देखा, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले हमारा जो कैटलिस्ट है, जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये हमारा कैटलिस्ट है। चलिए इसको पूरा पूरा लिख दें। पहले हमारा जो कैटलिस्ट लिया जाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है ये। पीपीएस ट्री की बात करूँ और होल फोर, तो ये सबसे फर्स्ट में तो मैं बोल देती हूँ इसे 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना। पहले भी काउंट करा दिया है मैंने आपको, पैलेडियम का 10 हो जाता है और यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज वेरी स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इनएक्टिव होगा। तो सबसे पहले तो इसे एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए जो फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस था, कैटलिस्ट था, उसको टू कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में चेंज कर दिया जाता है ना। तो ये तो हो गया मेरा एक्टिव कैटलिस्ट, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो में है अभी। इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, साथ ही टू कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके, कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका टू। इन द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जब कैटालिटिक रिएक्शन होता है तो हमारा आने वाला जो ग्रुप है, कोई भी ऑर्गेनो हैलाइड ग्रुप, वो एंट्री करेगा और एंटर करके इसके साथ एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये सारा मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है पहले के कैटालिटिक रिएक्शंस में। देखो आप ना ये सब कपलिंग रिएक्शन को ऑर्गेनिक बेस्ड सोच के करोगे तो थोड़ा टफ पड़ सकता है, क्योंकि जिन लोग को ऑर्गेनिक ज़्यादा ही टफ लगता है ना, उसको छोटे छोटे रिएक्शन भी लगता है यार मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी इनऑर्गेनिक से प्यार है ना, इनऑर्गेनिक के हर क्वेश्चन आपको लगता है मैं तो इजीली बना देंगे, तो ना आप ये जो कपलिंग रिएक्शन उसको ऑर्गेनोमेटलिक का एक पार्ट समझ के पढ़ो। अब ऑर्गेनोमेटलिक में मैंने जैसे कैटालिटिक साइकिल सारा समझाया तो उससे अपने आप में मैकेनिज्म याद हो जाता है ना। तो यहाँ भी ना इसको एज ए कैटालिटिक साइकिल करो और वो आपका रिएक्शन जो है वो अपने आप याद हो जाएगा फिर मैकेनिज्म। तो स्टेटमेंट में भी अगर क्वेश्चन आए तो बन जाएंगे। तो पहले पे मैंने जैसे बताया था कि कैटालिटिक साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा मतलब ये दोनों आके इस ग्रुप के साथ ऐड भी हो जाएंगे और ऐड के साथ साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर को भी इंक्रीज कर जाएंगे, है ना। ऑक्सीडेटिव एडिशन किस लिए पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमारा जो कैटलिस्ट है वो कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है ना। सैचुरेटेड हो जाता मतलब स्टेबल हो जाता, इनकमिंग ग्रुप को वो अपने साथ ऐड नहीं करता, पर क्योंकि इसने ओनली टू कोऑर्डिनेशन नंबर्स बना रखे हैं, मतलब टू ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो अभी भी इसके पास खाली स्पेस था। ये कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है तो ईजिली यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगा और आके ऐड हो जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करूँ तो ये अब हो गया है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो अब हो गए हैं 4। ठीक है, आफ्टर दिस इसके बाद होता क्या है, अब आएगा एंटर होगा हमारा कौन सा ग्रुप, ऑर्गेनोटीन ग्रुप। तो जैसे ही ऑर्गेनोटीन ग्रुप आया, यहाँ पे टर्सरी बिचाल है, उसके साथ SN है और एक आपका कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप है। ठीक है, इसकी एंट्री होती है। अब यहाँ पे यहीं पे बस डिफरेंस है, जब हम ऑर्गेनोबोरॉन लेते थे तो ऑर्गेनोबोरॉन में पहले रिएक्शन किससे कराते थे, बेस के साथ कराते थे। क्यों कराते थे, क्योंकि जो ऑर्गेनोबोरॉन था वो प्लेनर था और प्लेनर में वो कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में था। तो पहले उसको क्या करते थे, हम बेस के साथ रिएक्शन कराते थे, बेस के साथ रिएक्शन करा उसको टेट्राहाइड्रल में कन्वर्ट करते थे, एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ही उसके रिएक्शन इसके साथ करते थे और ट्रांसमेटलेशन की प्रोसेस करवाए। यहाँ पे किसी भी टाइप के बेस की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपाउंड हम ले रहे हैं वो ऑलरेडी फोर कोऑर्डिनेटेड है, टेट्राहाइड्रल टाइप से है ये। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये डायरेक्टली ट्रांसमेटलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो एक इंटरमीडिएट है, जहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है, ट्रांसमेटलेशन। एंड व्हाट इज द ट्रांसमेटलेशन, ट्रांसमेटलेशन इज द प्रोसेस इन विच क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द लिगेंड टू वन मेटल टू अनदर मेटल, है ना। यहाँ पे लिगेंड का ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल ये है मेरा एक कंपाउंड जो कि पैलेडियम कंटेनिंग कंपाउंड है और ये है मेरा एक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनोटीन कंपाउंड। ये दोनों ही कंपाउंड क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अपने लिगेंड को ट्रांसफर कर देते हैं। ये वाला जो मेटल है और ये मेटल जो है वो एक दूसरे को अपना लिगेंड को ट्रांसफर करेंगे। कैसे, इसका लिगेंड है यहाँ पे हैलाइड, उसको दे देगा और इसका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स है जिसे ये इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ तो होता है आपका ट्रांसमेटलेशन प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ लिगेंड, है ना, लिगेंड्स का ट्रांसफर करेंगे दो मेटल आपस में। तो ये हो गया ट्रांसफर, ये इसके साथ चला जाता है और इसके साथ आ जाएगा। जैसे इसके साथ गया तो हमारे पास बाहर जो प्रोडक्ट निकल जाएंगे वो तो हो जाएगा आपका BO3SN और ये हैलाइड के साथ रिएक्शन करके बाहर हो जाएंगे। अब जो हमारा कैटलिस्ट है वहाँ पे दो ग्रुप आ जाते हैं, दो फ्रेगमेंट जिनके बीच में बॉन्डिंग करनी है, यही मोटो है हमारा, यही वर्क कराना था हमें।
होता क्या है, ट्रांसमेटलेशन के बाद ये दोनों सीज पोजिशन में हैं, तो आपस में बॉन्डिंग करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करके इससे रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ पे होगा आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन, मतलब अब पैरेडियम का वापस से रिडक्शन हो जाएगा और दो ग्रुप जो है वो एलिमिनेट कर जाएंगे आपस में बॉन्ड बना के। प्रोडक्ट बन गया हमारा और जो कैटलिस्ट था वो एज इट इज हमको मिल गया, है ना। तो ये तो था आपका कैटलिटिक साइकिल ऑफ द स्टील कपलिंग रिएक्शन। इतना समझ आ गया हो तो अब मैं क्वेश्चन कराती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझेंगे हम और भी कैसे क्वेश्चन इसके बनते हैं, IIT JM और GATE और CSIR NET में कैसे इसको मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक, स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपको क्वेश्चन समझाना। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कैटलिटिक साइकिल। अभी यहाँ पे मैंने ना 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रखे हैं जिससे हम इजी वे में इस कैटलिटिक रिएक्शंस को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एल्किल हैलाइड है, यहाँ बोल सकते हैं एरिल हैलाइड है, जिसकी रिएक्शन नॉर्मल किसी ऑर्गेनोटीन कंपाउंड से हमने करा रखा है। दोनों से समझ आ रहा है कि ये स्टील कपलिंग रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से इसको रिप्लेस करना है और यहाँ से इसको दोनों को एक दूसरे से अटैच करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। कैसा बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट? कुछ ऐसा, ये क्या, ये बॉन्ड रहेगा और फिर डबल बॉन्ड में ऐसा। ठीक है, ये ग्रुप बाहर रिप्लेस हो गया, ये ग्रुप क्या बन के, आपको पता है एस टीन का कंपाउंड बनेगा, BU होल स्ट्राइस। तो ऐसे ना डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, उससे प्रैक्टिस करते हैं, सीधे प्रोडक्ट बना सकते हो आप। यहाँ से इसे रिप्लेस कर दिए, इसको रिप्लेस किए, दोनों को अटैच करवा दिए, तो ये फिर से बन जाएगा आपका कुछ ऐसा। ये बॉन्ड्स तो है ही, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा इसके साथ बनेंगे डबल बॉन्ड, और एक कार्बन और है CH3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनने वाला है, है ना। ये तो आपके लिए मैं छोड़ देती हूँ, ये बहुत ईजी से है। सेम यहाँ पे आपको फिर से लिविंग ग्रुप देख लेनी है। लिविंग ग्रुप देखते ही आपको ये वाला जो ग्रुप है उसको इसके साथ अटैच करके कार्बन कार्बन कपलिंग करा लेना है, है ना। एक क्वेश्चन और आया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा बस वेरी किया है, एवरीथिंग सेम दिया है। मतलब यहाँ भी एक का लिविंग ग्रुप दे रखा है, लिविंग ग्रुप के साथ कोई ऑर्गेनिक ग्रुप दिया है, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स, साथ ही आपको ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स यहाँ दे रखे हैं, PPS3 वाला जो हमारा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं पैलेडियम का वो भी है, और साथ ही आपके THF। पर यहाँ पे जो चेंज किया गया है ना वो किया गया है क्या, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो उसका कैसे रोल होता है या किस किस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होने वाला है? इसमें प्रोडक्ट की बात करें तो अभी भी सेम ही कपलिंग रिएक्शन ही होगा, पर यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन में होगा क्या थोड़ा सा चेंजेस। ये तो हो गया CH3 ग्रुप जैसा है वैसे ही। यहाँ पे लीव करने वाला ग्रुप कौन सा है चेक करके बताओ, ये OTF इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप ना, तो लीव तो वहीं से करेगा। तो बिल्कुल आपने वहाँ से लीव करा दिया कुछ ऐसे, ये ग्रुप लीव हो गया। लीव होने के बाद जो हमारा CO है उसका इंसर्शन हो जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में क्या होता है, CO का इंसर्शन हो जाता है टू बॉन्ड्स के बीच जो फॉर्मिंग बॉन्ड है उनके बीच रिएक्शंस के साथ साथ, और उसके बाद फिर हमारे जो नए ग्रुप हैं वो फॉर्म होते हैं आपके डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से रिलेटेड MEFE होल ट्राइज, ऐसे SIMH होल ट्राइज, या इसे ना कुछ ऐसे अरेंज करके लिखो तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। डबल बॉन्ड और उसके बाद आपका ME होल ट्राइज, उसके बाद आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ऐसे कुछ हो सकते हैं आगे ना, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक का कुछ भी दे सकता है क्योंकि हमारे पास वैसा कंपाउंड बन गया है। तो इस टाइप के रिएक्शन, छोटे छोटे रिएक्शन आते हैं किससे, स्टील कपलिंग रिएक्शन से। एक ही क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आया हुआ है वो सॉल्व कराऊंगी और फिर ये कंप्लीट है। स्टील कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसमें कुछ और भी रिएक्शंस कराए गए थे तो वो वन बाई वन देखते हैं। एक्चुअली ना इस टाइप के जो कपलिंग रिएक्शन है उसको एकदम इंडिविजुअली नहीं डालते, जो 4 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-3 स्टेप में प्रोडक्ट बनाना होता है, तब जाके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन अगर हमें जज करने आ गया कि एक्चुअल में आगे क्या होने वाला है तो हम उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ज़रूर बना सकते हैं, है ना। देखो जैसे मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने नहीं पढ़ा, याद नहीं है मेरे को कि ये क्या करने वाला है, जो फर्स्ट प्रोसीजर होने वाला है वो क्या करने वाला है वो अभी मेरे को नहीं पता। लेकिन क्योंकि मैंने अभी रिवाइज़ किया था या पढ़ा था किसको, स्टील कपलिंग रिएक्शन को, और स्टील कपलिंग रिएक्शन से पता चल गया है कि यहाँ पे PPS3 वाला ग्रुप दे रखा है पैलेडियम का, मतलब कैटलिस्ट, और साथ ही आपका टीन का ऑर्गेनोटीन कंपाउंड मेरे को दे रखा है ना। तो क्योंकि ऑर्गेनोटीन कंपाउंड के प्रेजेंस में कैटलिस्ट भी दे रखा है, तो ये जो सेकेंड स्टेप है वहाँ क्या होने वाला है, स्टील कपलिंग रिएक्शन। इतना मेरे को जज कर लिया मैंने कि यहाँ पे तो होने वाला है आपका स्टील कपलिंग रिएक्शन। अब मैं थोड़ा सा प्रीवियस में जाके लर्न करो कि स्टील कपलिंग रिएक्शन में करते क्या है हम।
स्टील कपलिंग रिएक्शन में एक हमारे पास होना चाहिए क्या, ऑर्गेनो हैलाइड ग्रुप, और एक होनी चाहिए हमारे पास ऑर्गेनोटीन ग्रुप। अब ऑर्गेनोटीन ग्रुप इसने दे रखा है, मतलब बनाना क्या है हमें, ऑर्गेनो हैलाइड ग्रुप बनाना है। कहीं ना कहीं ये जो आयोडीन है वो इसके साथ अटैच होगा, क्योंकि हमें बनाना क्या था, ऑर्गेनो हैलाइड ग्रुप बनानी है। ठीक है, तो बस वही होता है, इसको वन बाय वन अगर मैं रिएक्शन कराते जाऊँ तो कुछ ऐसा होगा। सबसे फर्स्ट रिएक्शन होगी किसके साथ, आई टू के साथ। आई टू जो है वो किसके साथ जाके बाउंड करेगा, एकदम जी ओ सी में चले जाओ जहाँ हम पढ़ते थे कि आयोडीन है, तो वो कुछ ऐसे अटैच होके आपका बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, ऐसे अटैच होके बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड्स रहेंगे ही, आप ऑक्सीजन वाला ऐसे अटैच होता है वो किसी के साथ, थ्री मेंबर रिंग बनाता है जो हाईली अनस्टेबल होगा, जो कि जल्दी से ब्रेक हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो है वो बनाता है, ये रिएक्शन जो है वो बनाएगा। अब होगा क्या आगे, देखो आगे होने वाला ये है कि यहाँ पे है आपके पास एक एसिटिक प्रोटॉन और यहाँ पे भी है आपके पास एक एसिटिक प्रोटॉन, है ना। आगे का प्रोसेस में उन्होंने दे रखा है क्या, पिरिडियम। अब ये क्या करता है, H प्लस को ले लेता है, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को ले लेगा, H प्लस एक्सेप्टर है क्योंकि बेस है। अब ये क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब H प्लस की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, तो ये कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा रिंग में। तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में, रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा। होगा ऐसा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। इस केसेस में आगे क्या बनने वाला है रिएक्शन में, मेरे पास आगे बनने वाला है कुछ ऐसे, इसने तो रिएक्ट किया ऐसे ऑक्सीजन, यहाँ से एक नया बॉन्ड आया डबल बॉन्ड, इसने दे रखा था इधर, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एक एसिडिक प्रोटॉन, एक एसिडिक प्रोटॉन को उसने अपना ले लिया है। यहाँ पे आपका आयोडीन जिसने थ्री मेंबर रिंग बना रखा था। अब होगा क्या आगे फर्दर, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, बाहर नहीं जाएगा रिंग के अंदर ही, कुछ ऐसे होगा, और ये वाले बॉन्ड्स को आप तोड़ के इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे। आपको ना बहुत अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंट आना चाहिए, फिर ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है वो इजी बन जाते हैं। फर्दर वैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन हमने मूवमेंट कराया तो हमने देखा कि यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और ये आयोडीन अब बन गया क्या, यहाँ पे आ गया आयोडीन। अब बन गया हमारे पास कौन सा ग्रुप, ऑर्गेनिक हैलाइड ग्रुप, जो हमें लेनी होती है किसके लिए, स्टील कपलिंग रिएक्शन। फर्दर रिएक्शन में जो दे रखा है आपका, क्या क्या दे रखा है, यहाँ तक तो हो गया, ये दोनों का काम वर्क हो गया कम्प्लीट। अब सेकेंड स्टील रिएक्शन करा दो जल्दी से, क्या होगा, पी डी पी पी एस थ्री होल फोर, और साथ में आपका दे रखा है कोई ऑर्गेनो टीन कंपाउंड, ऑर्गेनो टीन में एस एन बी यू थ्राइज, ये दे रखा है सेम चीज़ें। यहाँ पे पहले तो क्या होगा, एडिटिव ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और ऑक्सीडेटिव एडिशन में पी डी जो है वो आ जाएंगे इधर एल और इधर एल ग्रुप, कुछ ऐसा अटैच होगा। होगा ऐसा, है ना, इसे ऐसे ही रखते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको नोट्स बनाने में। ये तो हो गया आयोडीन, बाद में चेंजेस आएगी। फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, मेरा ये जो ग्रुप है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन करके अंदर चला जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे पीडी ग्रुप अंदर हो गया और ये आयोडीन, और इसके पास एल ग्रुप जो है वो रहेंगे, इतना होगा। इसके बाद नया ग्रुप आएगा, ये वाली ग्रुप इसको रिप्लेस करेगा, खुद अटैच हो जाएगा। तो जो मेरे पास बनने वाला है फर्दर, वो क्या होने वाला है, अभी ये तो हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा आपका अटैचमेंट ऐसे, ये वाली ग्रुप को हटाया, ये वाली ग्रुप को हटाया, दोनों को अटैच करा दिया, जैसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हमने पहले किया था। तो ये तो प्रोडक्ट मिल गया हमको सेकंड तक। अब थर्ड में क्या करा रहा है वो फर्दर सोच के देखिए। अब थर्ड को अगर मैं देखूँ तो थर्ड में उसने कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रखा है, एन ए बी एच फोर, और इसके साथ ले रखा है सी ई एल थ्री एंड वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आपको याद आ रहा होगा ऑर्गेनिक में हम ये रिएजेंट किस नाम से पढ़ते हैं, लूचे रिएजेंट, है ना, लूचे रिएक्शन। तो जो लूचे रिएक्शन है उसमें हम ये पढ़ते हैं, ये क्या करता है, ये जो है वो रिडक्शन कराता है किसका, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप का कराता है। तो कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप का ये रिडक्शन कराएगा, यहाँ पे एक और बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कराता है ये। तो सीधे से आप रिडक्शन करा दो और उसके बाद बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, कुछ नहीं है, कीटों को इनमें कन्वर्ट कर देगा वो। यहाँ से आ गया आपका लूचे रिएक्शन करा दीजिए, ज़्यादातर फेवरेबल होगा यहीं पे,
ओ एच और ये आपका ये बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ऐसे ना मैं बता रही हूँ कि ये जो रिएक्शंस होते हैं उसको मिक्स करके दे दिया जाता है एग्जाम में, पर बहुत इजी पड़ता है बनाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड कपलिंग रिएक्शन, कौन सा? स्टील कपलिंग रिएक्शन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हैक कपलिंग रिएक्शन, उसके कैटालिटिक साइकिल देखे, उससे आया हुआ पेपर में एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आया था वो भी देख रखा है हमने। फिर सुजुकी कपलिंग रिएक्शन हो गया, अब ये स्टील कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो। आगे सभी कपलिंग रिएक्शन मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ।